Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Mrs. Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And we are nowadays discussing various topics under educational psychology. And today I am going to discuss a very important and relevant topic under educational psychology, that is group dynamics. Questions have been asked: what do you understand by group dynamics? What is the relationship between group dynamics and learning? Classroom as a group, and so on. And the lecture will be in bilingual group, and various questions have been asked from various competitive examinations from the topic group dynamics. So let's start. Group dynamics. हिंदी में बोले तो समूह गतिशीलता. क्या कह रहे हैं कि dynamics means change. स्टैटिक होता तो क्या होता, स्थिर, लेकिन ग्रुप स्थिर नहीं रहता है, ग्रुप में गतिशीलता होती है, ग्रुप गति करता है, परिवर्तन आता है उसमें. एंड ग्रुप डायनेमिक्स मींस बिहेवियरल चेंज थ्रू आउट द ग्रुप इंटरेक्शन. और डायनेमिक्स का मतलब परिवर्तन, और ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब जो व्यवहार में परिवर्तन आता है जो उसके मेंबर्स के अंतर्गत, वो ग्रुप इंटरेक्शन के थ्रू, मतलब समूह जो है आपस में अंतर संबंध करता है, प्रतिक्रिया करता है, अंतःक्रिया करता है, तो उससे जो बिहेवियरल चेंज आता है उसी को ग्रुप डायनेमिक कहा जाता है. किसने कब ये टर्म कॉइन किया है, तो कर्ट लेविन साहब. हम लोग लेविन की थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो कर्ट लेविन जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि, और चेंज मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी थे, वो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया है. तो ये क्रेडिट उनको दिया जाता है, क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द टर्म ग्रुप डायनेमिक्स इन द अर्ली 1940s. अपना वो डिसर्टेशन कर रहे थे, उस पर उन्होंने ये काम किया था, और वहीं से ग्रुप डायनेमिक्स का नाम आया. He noted that people often take distinct roles and behaviors when they work in a group. उन्होंने पाया, उन्होंने ये नोट किया कि जब लोग एक समूह में काम करते हैं तो वो उनका व्यवहार थोड़ा विशिष्ट हो जाता है, दूसरे तरीके के वो रोल निभा पाते हैं. और ग्रुप डायनेमिक्स डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ दीज रोल्स एंड बिहेवियर्स ऑन अदर ग्रुप मेंबर्स ऑन द ग्रुप एज ए होल. और ग्रुप डायनेमिक्स क्या डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन से रोल निभाए जाते हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं, और उनका व्यवहार कैसे दूसरे ग्रुप मेंबर्स को और पूरे ग्रुप को एक साथ कैसे प्रभावित करता है. यही ग्रुप डायनेमिक्स है, समूह गति की, समूह गतिशीलता. ठीक है. अच्छा, अब ये बात कि ग्रुप है, ग्रुप में सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन हमको क्या करना है, ग्रुप को एक टीम बनाना है. टीम होगी तो वी फीलिंग आएगी, टीम होगी तो कोऑपरेशन होगा, टीम होगी तो हमारे पास एक गोल होगा, हम पॉजिटिव एक्शन करेंगे. ग्रुप से टीम बनने का जो स्टेज है, जो जो चरण है, जो रास्ता है, वो कई चरणों से होकर गुजरता है, जिसको कि हम स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, कि समूह भी विकसित करता है, विकास होता है समूह में भी, और विकसित होते होते वो उस चरण पर पहुंच जाता है जहां पर कि वो टीम बन जाता है. तो ये टैकमैन्स लीनियर मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है. लीनियर मॉडल बनाए, चित्र इसका रैखिक वृत्तीय बनाए, लेकिन ये मतलब एक गति में चलता है. जैसे सबसे पहली स्टेज होती है फॉर्मिंग, ग्रुप फॉर्म होता है, फिर स्टॉर्मिंग, यहाँ विस्फोट होता है, तकरार होती है, झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है. उसके बाद क्या होता है, नॉर्मिंग, मतलब हम एक नॉर्म फॉलो करने लगते हैं. फिर होता है परफॉर्मिंग, इस स्टेज पे आके ग्रुप के मेंबर्स परफॉर्म करते हैं. और फिर होता है एडजॉर्निंग, मतलब कि काम खत्म हो गया, आप सब लोग अपने अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे, फिर दूसरा ग्रुप बनेगा. ये है. तो ब्रूस टकमैन ने क्रिएटेड मॉडल इन 1965 आउटलाइनिंग फोर स्टेप्स. जब शुरुआत में इन्होंने 1965 में ये मॉडल बनाया, तो सारे ही चरण लेके चले थे, मतलब ये एडजॉर्निंग नहीं था, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग था. विच वॉज लेटर कम्प्लीटेड इन 1977. 1965 में पहला आया, 77 में बाद में ये पांचवा स्टेप और जोड़ रहे हैं इसमें, कौन सा, एडजॉर्निंग. ओके, तो देख लेते हैं कौन क्या है किस स्टेज में. वैसे ये नाम से ही काफी हद तक स्पष्ट है. ये देखिए, यहाँ से तो लीनियर मॉडल समझ में आ रहा है ना, कि फॉर्मिंग, फॉर्मिंग के बाद स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग के बाद नॉर्मिंग, नॉर्मिंग के बाद परफॉर्मिंग, और फिर एडजॉर्निंग. फॉर्मिंग मींस ग्रुप जो है वो फॉर्म हो रहा है. यहाँ देखिए, लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं. टीम एक्वाइंस एंड एस्टैब्लिशेस ग्राउंड रूल्स, फॉर्मेलिटीज आर प्रिजर्व्ड एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रेंजर्स. यहाँ पे सभी लोग स्ट्रेंजर्स हैं, स्ट्रेंजर्स से हम लोग मिलते ही झगड़ा नहीं शुरू कर देते हैं, हम लोग अच्छे से मिलते हैं उनसे, मतलब ये फॉर्मली मिलते हैं, जानते ही हैं तो झगड़ा किस बात का. स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि जब बातचीत करना शुरू करेंगे, मतभेद कब होगा, जब बातचीत करेंगे ना, तो मेंबर्स स्टार्ट टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स बट स्टिल व्यू देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल्स रादर देन पार्ट ऑफ द टीम, रेजिस्ट कंट्रोल बाय ग्रुप लीडर्स एंड शो होस्टिलिटी. यहाँ देखिए, झगड़ा हो रहा है ना, क्योंकि स्टॉर्म नाम ही है कि यहाँ कुछ कन्फ्लिक्ट होगा, कुछ डिस्प्यूट होगा, क्योंकि अपनी अपनी फीलिंग शेयर करनी है, अपना अपना व्यू पॉइंट रखना है,
फिर क्या होगा, अब हमको एक ग्रुप के मेंबर की तरह फील करने की स्टेज आ गई, नॉर्मिंग। पीपल फील पार्ट ऑफ द टीम एंड रियलाइज दैट दे कैन अचीव वर्क इफ दे एक्सेप्ट अदर व्यू पॉइंट्स। यहाँ पर वो समझेंगे कि अगर दूसरे के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करेंगे तो वर्क हो जाएगा, काम हो जाएगा। फिर परफॉर्मिंग में द टीम वर्क्स इन एन ओपन एंड ट्रस्टिंग एटमोसफेयर वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज द की एंड हायरार्की इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। यहाँ देखिए ये रिले रेस हो रही है ना, तो एक का जीतना दूसरे के दौड़ने पर निर्भर करता है, यानी कि पूरी टीम जब बेहतर परफॉर्म करेगी तभी जीतेंगे। फिर एडजॉइनिंग में क्या है, द टीम कंडक्ट्स एन असेसमेंट ऑफ द ईयर एंड इंप्लीमेंट्स अ प्लान फॉर ट्रांजिशनिंग रोल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग मेंबर्स कंट्रीब्यूशन। हमने काम कर लिया, फिर हम एक दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करेंगे और फिर टीम अलग अलग हो जाएगी। तो ये ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेज जो तक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सवाल इसे बन सकते हैं, देखिए कब दिया गया, 1965 में दिया गया, कौन सा बाद में जोड़ा गया, एडजॉइनिंग बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 1977 में जोड़ा गया। वो पूछ लेगा किस स्टेज की क्या खास बात है, या पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है, मिडिल में कौन सा है, तो हमको पूरी एक क्रम याद होना चाहिए। तो बहुत प्रश्न इससे बन सकते हैं। ओके, स्ट्रेंथनिंग टीम डायनेमिक्स, हमको अपने टीम की डायनेमिक्स को स्ट्रेंथन करना है। किसको, टीचर को। यहाँ पे क्लासरूम एज अ ग्रुप लेकर चल रहे हैं, अंततः हम टीम डायनेमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्लासरूम में हमको ग्रुप डायनेमिक्स को लेकर आना है, ताकि क्लासरूम जो है वो परफॉर्मिंग वाली स्टेज पर आ जाए। फॉर्मिंग तो होता है जब हमारे सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन हम स्टॉर्मिंग में ही ना रह जाए बल्कि नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग तक जाएं, तो पूरा क्लास जो है एज अ टीम बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। ये इसके पीछे मंशा है इसको पढ़ाने की, कि क्लासरूम एज अ ग्रुप। ओके, तो पहली बात नो योर टीम, यानी कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स को जानना होगा। फिर टैकल प्रॉब्लम्स क्विकली विद गुड फीडबैक, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा फटाफट प्रतिपुष्टि देके। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके रोल्स तय होने चाहिए, जिम्मेदारियां सुनिश्चित होनी चाहिए। ब्रेक डाउन बैरियर्स, जो बाधक तत्व हैं उनको हटाना होगा। फोकस ऑन कम्युनिकेशन, संप्रेषण पे आपको ध्यान देना होगा। और अटेंशन पे, अटेंशन इतना अगर हम करेंगे तो हमारी क्लास की या हमारे ग्रुप की टीम डायनेमिक्स बढ़िया हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं बढ़िया टीम बनाना, सॉरी, कौन से बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए, तो एट सीज मॉडल आता है, एट सीज फॉर टीम बिल्डिंग। देखिए सबसे पहले सब सी से स्टार्ट है, इसलिए एट सी हो गया। क्या है, क्लियर एक्सपेक्टेशन, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, कंट्रोल, कोलेबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कोऑर्डिनेशन। तो इसमें कोई बहुत समझाने वाली बात नहीं। क्लियर एक्सपेक्टेशन यानी कि ग्रुप को क्लियर होना चाहिए कि उससे चाहिए क्या, उसको आउटकम पता होना चाहिए कि उसको कहाँ तक जाना है। एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट और गोल के प्रति कमिटमेंट, कॉम्पिटेंसी शो करनी होगी, कंट्रोल होना चाहिए, कोलैबोरेशन, मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाएंगे और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ेगा, तब जाके एक बढ़िया टीम का निर्माण हो सकेगा, है ना। तो ये एक चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बढ़िया टीम बन जाएगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, प्रिंसिपल भी है ग्रुप डायनेमिक्स के करीब, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब कि हम बिलोंग करें उस ग्रुप से, हम समझे कि वो हमारा ग्रुप है, वो काम हमारा है, तब हम उसको बेहतर करेंगे, तब बेहतर हमारा ग्रुप परफॉर्म करेगा। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, चेंज जरूरी है, रोल चेंज होंगे ना, एक टास्क में किसी को लीडर बनाया जाएगा, दूसरे में किसी और को बनाया जा सकता है, तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज। प्रिंसिपल ऑफ कंफॉर्मिटी, हमको कंफॉर्मिटी शो करनी है ग्रुप से, हम डेविएट नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन मोटिव, सबका मोटिव एक ही है कि जो लक्ष्य है उसको पाना है, चाहे रोल हमको जो भी मिला हो करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रीएडजस्टमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ गोल ओरिएंटेशन। इतने सिद्धांतों पर ग्रुप डायनेमिक्स काम करती है, यानी कि हमको इन सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा जब हम क्लासरूम को ग्रुप की तरह से परसीव करेंगे। फिर जो खास बात, ग्रुप डायनेमिक्स एंड लर्निंग, इतनी देर में ये समझ में आ गया हमको कि ग्रुप क्लासरूम को एज अ ग्रुप परफॉर्म करना है और ग्रुप को टीम बनाना है, और टीम डायनेमिक्स में बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं। तो वो सारी अच्छाइयां अंततः क्या करती हैं, अंततः करेंगी क्या, लर्निंग ही तो बेहतर करेंगी। हमारी क्लासरूम टीचिंग का मेन उद्देश्य क्या है, कि जो हम इंस्ट्रक्शन देने गए हैं, जो हम आपको ट्रांसमिट करने गए हैं, वो आप तक पहुंच जाए, ग्रैस्प हो जाए, रिटेंशन बढ़िया हो, लर्निंग परमानेंट हो। तो क्या है ग्रुप डायनेमिक्स कैसे हमको हेल्प कर रहा है, इम्प्रूव सोशल एंड इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लास। देखिए हम वी फीलिंग के संग क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब कि सामाजिक और सामूहिक वातावरण क्लास का बढ़िया हो जाएगा। तो बढ़िया होगा तो क्या होगा, लर्निंग बढ़िया होगी। स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न एंड परफॉर्म।
सेल्फ मोटिवेटेड होंगे स्टूडेंट, तो उनको बाहर से कंपेल नहीं करना पड़ेगा आपको कि नहीं पढ़ना है या आपको आगे बढ़ना है, वो खुद अंदर से जाएंगे, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे बढ़िया करने के लिए। फिर टीचर्स कैन यूज री इन्फोर्समेंट इफेक्टिवली। हम लोग इतना कुछ लर्निंग थेरीज में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि प्रॉपर री इन्फोर्समेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है लर्निंग में। तो टीचर जो है वो बढ़िया री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर पाएगा, जैसे अगर ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया या जैसे उसने कुछ भी अचीव किया। तो स्टूडेंट्स हैव बेटर इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट इन द क्लास। अगर हम ग्रुप की तरह से क्लास में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट बढ़िया होगा उनके बीच में, तो अच्छी बात है कि लर्निंग अच्छी हो जाएगी। फिर डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इन ए डेमोक्रेटिक वे। मतलब हमको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना पड़ेगा, हमको कोई सजा नहीं देनी पड़ेगी। बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, डेमोक्रेटिकली उनको आप डिसिप्लिन में रख सकते हैं। अगर कब, जब हम ग्रुप डायनेमिक्स को ध्यान रखेंगे, जब हमको पता होगा समूह गतिकी के नियम क्या हैं, कौन से हम 8 C's को ध्यान में रख के बढ़िया टीम बना सकते हैं, कैसे ग्रुप डायनेमिक्स के फायदे क्या हैं। फिर रोल प्लेइंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड सिमुलेशन मेक लर्निंग बेटर। जब हम रोल प्ले करते हैं तो हम उस रोल में चले जाते हैं, तो हम बढ़िया सीखते हैं उस वक्त, मतलब जिस भी रोल को हम प्ले कर रहे हो, फिर हमको उसको याद नहीं करना पड़ता, वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है, लर्निंग बढ़िया होगी। पीयर ट्यूटरिंग अच्छी लर्निंग में हेल्प करता है, सिमुलेशन बढ़िया करता है लर्निंग को। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं ग्रुप डायनेमिक्स के, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमेशा हमारी लर्निंग को ही बेहतर कर रहे हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स कैन सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेसेस इन द क्लासरूम। जो भी झगड़े, विवाद, तनाव की स्थिति क्लासरूम है, उसको भी मदद करेगा सुलझाने में। तो क्लासरूम का वातावरण बढ़िया रहेगा, क्लाइमेट बढ़िया होगा, तो ऑब्वियसली लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, बट इस पर मैटर मुश्किल से मिलता है। अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि इस पर मैटर नहीं मिल रहा है। तो ये आपके सब्जेक्ट लिखिए, आप इसको ऑब्जेक्टिव आंसर से सॉल्व कीजिए, आप इसको चाहे जितना एक्सप्लोर कर इलेबोरेट कर सकते हैं, आपके पास इतना सफिशियंट मैटर है। ओके, तो छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक्स एंड लर्निंग। ओके, आई हैव डन इट, सो थैंक यू। आई हैव कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टुडे, ग्रुप डायनेमिक्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन लर्निंग। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंजॉय माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।